अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर ताहिर है और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रेनो ट्रक की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेनो C380 की इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत। मैं सिकंदर ताहिर एक बार फिर रेनो पाकिस्तान के पेज से आप सबको वेलकम करता हूँ। दोस्तों रेनो C380 की इंजन टेक्नोलॉजी क्या है, इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है, ऑयल ड्रेन इंटरवल 20,000 किलोमीटर है तो कैसे है, इंजन परफॉर्मेंस कर्व कैसा है, फ्यूल कंजप्शन अगर दूसरे ब्रांड के मुकाबले में बेहतर है तो कैसे है, इंजन की लाइफ कितनी है, अगर आपके यही सब सवालात हैं या फिर यही सब कन्फ्यूजन हैं तो यू कैन थैंक मी, क्योंकि मैं आज इन्हीं सब सवालात के जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों बात करते हैं रेनो C380 के इंजन स्पेसिफिकेशन की। रेनो C380 में DXi 11 लीटर इंजन मौजूद है जो कि 6 सिलेंडर इनलाइन टर्बोचार्ज इंजन है। इस इंजन में ऑप्टी ब्रेक भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ऑप्टी ब्रेक बेसिकली कॉम्बिनेशन है इंजन ब्रेक का और एग्जॉस्ट ब्रेक का। इस इंजन का पावर आउटपुट 380 HP एट 1900 RPM और टॉर्क 1800 Nm एट द रेंज ऑफ 1000 to 1400 RPM। इस इंजन का परफॉर्मेंस कर्व मैं आपको आगे वीडियो में इन डेप्थ एक्सप्लेन करूँगा। ट्रक्स में नॉइज़ की बहुत सी सोर्सेज होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी सोर्स ऑफ नॉइज़ इंजन नॉइज़ होती है। 42% ऑफ द नॉइज़ इंजन नॉइज़ की वजह से जनरेट होती है। इसी वजह से रेनो के रिसर्च और डेवलपमेंट इंजीनियर ने नॉइज़ इंसुलेशन का खास ख्याल रखते हुए नॉइज़ इंसुलेशन के लिए कार्बन फाइबर को यूज़ किया है। इसी वजह से नॉइज़ का लेवल 82 डेसिबल पर सेट किया गया है, जो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड को फुली कंप्लाई करता है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सी इंजन इंजेक्शन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुना होगा, जिसमें सिंपल मैकेनिकल इंजन विद सिंपल इंजेक्शन जो कि आजकल काफ़ी चाइनीज़ और जैपनीज ट्रक में मौजूद है, देन कॉमन रेल इंजन। इसके अलावा आप लोगों ने यूनिट पम्प्स के बारे में भी सुना होगा, देन पंप इंजेक्टर सिस्टम। रेनो C380 की इंजन टेक्नोलॉजी पंप इंजेक्टर पर बेस्ड है, जिसमें हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर नोजल कम्बाइंड है एज अ सिंगल असम्बली, और हर सिलेंडर पर कम्बाइंड इंजेक्टर नोजल और हाई प्रेशर पंप की असम्बली माउंटेड है। इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये है दोस्तों कि इंजेक्टर नोजल और हाई प्रेशर पंप के दरमियान कोई प्रेशर लाइन नहीं होती, जिससे प्रेशर लॉसेस में काफ़ी हद तक कमी आती है, और इंजेक्टर 1700 बार तक का प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे ना सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है बल्कि एग्जॉस्ट इमिशंस में भी कमी आती है। इंजेक्टर नोजल को रैपिड सोलेनॉइड वाल्व की मूवमेंट से ऑपरेट किया जाता है और सोलेनॉइड वाल्व को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मॉड्यूल से ट्रिगर किया जाता है। पंप इंजेक्टर की ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को सम अप किया जाए तो इसके बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंजन हायर टॉर्क प्रोवाइड करता है लेसर नंबर ऑफ RPM पे। इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी में काफ़ी हद तक बेहतरी होती है, एग्जॉस्ट इमिशन में कमी आती है और पायलट इंजेक्शन अचीव होती है, जिससे इंजन की ओवरऑल नॉइज में कमी आ जाती है। इमिशन स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो रेनो C380 का इंजन यूरो 3 इमिशन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है। प्रिसाइज इंजेक्शन की वजह से यूरो 3 इंजन इन कंपैरिजन टू यूरो 2 5-7% की फ्यूल सेविंग प्रोवाइड करता है। यूरो 3 इंजन लेसर फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से लेसर इमिशन भी इमिट करता है, जिसकी वजह से यूरो 3 इंजन यूरो 2 के कंपैरिजन में 28% लेसर नॉक्स और 47% लेसर कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशंस इमिट करता है, विच इज ब्रिलियंट। दोस्तों आप एक ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरेज स्पीड और ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट की डिमांड इंक्रीज होती रही, और एवरेज स्पीड की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इंजन पावर आउटपुट की डिमांड भी इंक्रीज होती रही। सो पैरेलल विद एवरेज स्पीड एंड इंजन पावर आउटपुट विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से
एवरेज फ्यूल कंजप्शन और रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में भी कमी आती रही। दोस्तों, बहुत से लोगों का परसेप्शन है कि हाई सल्फर कंटेंट फ्यूल के लिए यूरो 3 इंजन सूटेबल नहीं, जो रेनो के केस में एब्सोल्युटली रॉन्ग परसेप्शन है। रेनो इंजन इक्विप्ड है हैवी ड्यूटी प्री फिल्टर के साथ, जो 30 माइक्रोन्स तक की फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। ये फिल्टर अलाउ ही नहीं करता कि कॉन्टेमिनेंट्स इंजन में एंटर हों। हैवी ड्यूटी प्री फिल्ट्रेशन की वजह से हायर सल्फर कंटेंट फ्यूल का इंजन की लाइफ पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो ऑयल ड्रेन इंटरवल पर। कॉन्टेमिनेटेड फ्यूल की वजह से फिल्टर जल्दी क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हम इसका ऑयल 20,000 किलोमीटर पर ड्रेन करते हैं। वो कंट्रीज जहां फ्यूल की क्वालिटी बेहतर है, वहां इसी इंजन पर 60,000 किलोमीटर पर ऑयल ड्रेन किया जाता है। ये मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन पावर ट्रेन ऑपरेटिंग कंडीशन के चार्ट से करूंगा। यूरो 2 इंजन हो या फिर यूरो 3 इंजन, फ्यूल में वाटर कंटेंट की प्रेजेंस से इंजन की हेल्थ पर एडवर्स अफेक्ट होते हैं। तो वो कस्टमर्स जो अपने पास फ्यूल की स्टोरेज करते हैं, उन कस्टमर्स को फ्यूल की स्टोरेज का खास ख्याल रखना चाहिए और टाइम टू टाइम सेडिमेंटल यूनिट से वाटर को ड्रेन करते रहना चाहिए। यूरो 3 इंजन के बहुत से एडवांटेजेस हैं इन कंपैरिजन टू यूरो 2 इंजन, जिसमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, लोअर एग्जॉस्ट इमिशंस एंड लॉन्ग टर्म पार्ट्स अवेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म पार्ट्स अवेलेबिलिटी। यूरो 2 टेक्नोलॉजी को यूरोप में काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट किया जा चुका है, तो वो यूरोपियन ब्रांड जो एशियन मार्केट में यूरो 2 इंजन सप्लाई कर रहे हैं, सोचने की बात तो ये है दोस्तों कि वो नेक्स्ट 5 ईयर किस तरह से अपने कस्टमर को सर्व करेंगे। दोस्तों, पावर ट्रेन ऑपरेटिंग कंडीशन का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चार्ट से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम पाकिस्तान में रेनो यूरो 3 इंजन में ऑयल 20,000 किलोमीटर पर ड्रेन कर रहे हैं। ये चार्ट रेनो के रिसर्च और डेवलपमेंट इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 4 टाइप्स ऑफ फ्यूल अवेलेबल होते हैं। फ्यूल टाइप 0, जिसमें मैक्सिमम सल्फर कंटेंट 10 ppm, फ्यूल टाइप 1, जिसमें सल्फर कंटेंट 10 to 500 ppm, फ्यूल टाइप 2, जिसमें सल्फर कंटेंट 500 to 5000 ppm, फ्यूल टाइप 3, जिसमें सल्फर कंटेंट ग्रेटर देन 5000 ppm। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूल स्टेशंस पर फ्यूल टाइप 3 मौजूद है, जिसमें सल्फर कंटेंट ग्रेटर देन 5000 ppm होता है। एक और चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट साइकिल में लॉन्ग डिस्टेंस की बात की जाए और ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट 70 टन्स और टोपोग्राफी प्रीडोमिनेंटली फ्लैट हो, तो POC हैवी कैटेगरी में फॉल करती है। सो विद हैवी POC एंड फ्यूल टाइप 3, हम इंजन ऑयल 22,500 किलोमीटर पर चेंज कर सकते हैं। और अगर फ्यूल टाइप 3 के बजाय फ्यूल टाइप 0 और फ्यूल टाइप 1 को कंसिडर किया जाए, सो विद हैवी POC हम इंजन ऑयल 45,000 किलोमीटर पर ड्रेन कर सकते हैं। और अगर POC हैवी कैटेगरी के बजाय लाइट और मीडियम कैटेगरी में लाए करे और फ्यूल टाइप 0 और 1 को कंसिडर किया जाए, तो हम इंजन ऑयल इसी इंजन में 60,000 किलोमीटर पर ड्रेन कर सकते हैं। यकीन ना आने वाली बात तो ये है दोस्तों, रेनो C380 की इंजन लाइफ 1 मिलियन किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 1 मिलियन किलोमीटर। वो कंट्री जहाँ पर फ्यूल की क्वालिटी मोर और लेस पाकिस्तान की तरह सेम है, लाइक ईरान और इराक, वहाँ पर इंजन की फर्स्ट ओवरऑलिंग 1 मिलियन किलोमीटर बाद की जाती है, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो अब बढ़ते हैं फ्यूल कंजप्शन की तरफ। रेनो C380 का फ्यूल कंजप्शन दूसरे ब्रांड से बेहतर है, पर कैसे? फ्यूल कंजप्शन में बेहतरी तो हर ब्रांड के लोग क्लेम करते हैं,
बट मैं आपको इंजन परफॉर्मेंस कर्व के जरिए फैक्ट के साथ ये बताऊंगा कि रेनो C380 का फ्यूल कंजप्शन दूसरे ब्रांड से किस तरह से बेहतर है। दोस्तों, रेनो C380 का इंजन परफॉर्मेंस कर्व आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों, अगर आप रेनो C380 DXi 11 लीटर इंजन के परफॉर्मेंस कर्व को दूसरे ब्रांड्स ऑफ इंजन कर्व से कंपेयर करें, देन रेनो इंजन फ्लैट टॉर्क अचीव करता है एट द रेंज ऑफ 1000 to 1400 RPM। फ्लैट टॉर्क रेंज ऑफ RPM पर अचीव करने से ड्राइवर के पास इनफ रूम होता है कि वो इंजन का मैक्सिमम टॉर्क यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन में काफ़ी बेहतरी आती है। मैंने काफ़ी ब्रांड्स ऑफ इंजन के परफॉर्मेंस कर्व देखे हैं, फ्लैट टॉर्क दूसरे ब्रांड्स के इंजन भी अचीव करते हैं, बट रेंज ऑफ RPM पर नहीं बल्कि स्पेसिफिक RPM पर। दोस्तों, रेनो इंजन की तरह रेंज ऑफ RPM पर फ्लैट टॉर्क अचीव होता हुआ मैंने किसी और इंजन में नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर कुछ कंफ्यूजन है तो आप ईमेल के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं सिकंदर साहिब एक बार फिर रेनो ट्रक की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।